हाई स्कूल उमरिया में आज पौधारोपण कार्य किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला कलेक्टर के द्वारा सभी पंचायत सचिवों को कहा गया कि जन सहयोग से अंकुर ऐप के माध्यम से पौधे लगाकर उसको अपलोड किया जाए और 30 दिन बाद उस पौधे की फोटो फिर से अपलोड करना है। इस तरह आपने जितने पौधे लगाए उनमें से कितने पौधे जीवित है उनका निरीक्षण ऐप के माध्यम से होगा। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पौधे लगाकर उसको जीवित रखते हैं उनको पंचायत समिति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। जी सर, मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? बलराम कनेल जी। अब जो आज पौधारोपण हो रहा है ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? आज जो ये हमारे यहाँ पौधारोपण कार्यक्रम हुआ है ये हमारे सचिव महोदय चंपालाल चौहान सर ने बताया कि एक अंकुर ऐप के माध्यम से ये जिले लेवल से कार्यक्रम चल रहा है। इसमें पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, पौधारोपण कर सकता है। एक व्यक्ति एक पौधा भी कर सकता है और उससे अधिक भी। इसको 30 दिन बाद वापस अपलोड करना है, उसकी पौधे की देखभाल भी करना है कि किस प्रकार से पौधा आगे वृद्धि कर रहा है या नहीं। इसमें आप जितने ज़्यादा पौधे लगाओगे और उसकी देखभाल करोगे तो इसके माध्यम से आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो एक तो ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और ये जन सहयोग के माध्यम से हो रहा है और इसमें इसकी जानकारी हमें हमारे यहाँ उमरिया के सचिव महोदय ने दी है कि ये जो अंकुर ऐप है इसके माध्यम से आप पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा भी दे सकते हो और अपनी सहभागिता दे सकते हो। ठीक है, धन्यवाद सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।